देखिए जो आज बोजो मूवमेंट यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आई है वो अपने महापुरुषों का अपमान का बदला लेने के लिए ही है। जिस प्रकार से इन मनुवादी सरकार ने जो हमारा जो संत रविदास जी महाराज का तुगलकाबाद में मंदिर गिरा है उसके बारे में मेरे साथी यहाँ पर जो ही बहुत ही तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हैं, क्योंकि आज का समय जो है वो बोजो मूवमेंट के जागने का समय है। आज हमारा जो मनुवादी सरकार को दिखाने का आज अवसर आ चुका है, जो कि ये हमारे बहुजन मूवमेंट के साथी ये अब जाग चुके हैं। अब जो सरकार ये सोच रही है कि इन लोगों का शोषण किया जाएगा, अब नहीं चलेगा शोषण, क्योंकि अब हम निकलो बाहर मकानों से, क्योंकि आज बहुजन जो मूवमेंट का युवा साथी है वो आज निकल चुका है मकानों से। और अब वो आप देख लो इतनी जो यहाँ पर युवा साथी आए हैं वो कुछ करने के लिए आज खून की नदियां बहाने के लिए वो आज तत्पर तैयार है। और भी यहाँ पर मेरे साथी हमारे साथ पहुंचे हैं, हमारी टीम है ये सब की सब। ये हम कुरुक्षेत्र से, हरियाणा कुरुक्षेत्र से और शाहबाद मारकंडा से आए हैं, क्योंकि ये हमारी हल्के की शाहबाद मारकंडे के हल्के की भीम आर्मी की टीम है। और ये भी मैं सर, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं पकड़ी है सर, कोई बात नहीं, दिखाओ मैं रवि जी जी बोलिए 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 भाई साहब, हाँ जी बोलिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे जेल भरो आंदोलन होगा और अपने खून शरीर का एक एक खून बहा देंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनवाएंगे। लेकिन मोदी जी दिखावे के लिए एक दलित समाज के लड़के का पैर धोते हैं सिर्फ वोटिंग के लिए। सर आप बताइए, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? पुर्जा पुर्जा कट मरांगे, रणनी छड़ांगे, जरा टेडी अखनाल तक को दी अखनु कड़ांगे, एक गबरू शहर से बिले सोंकी ने हथियारां दे रहंदे नाल टोर दे मित्रवन की पुत चमारां दे। ये चमार सर चमार कौम है, मूल निवासी समाज है, अपने अधिकारों को शांति प्रिय ढंग से भी लेना जानती है। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली भी करना जानती है। इन शब्दों के साथ जय भीम जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।